एवरीवन, दिस इज तारीफ एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो न्यू नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से सीयूईटी से रिलेटेड आया है। क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस नोटिफिकेशन में आई है। सबसे पहला डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुका है April 6 to May 6। अब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट आया है। उसके बाद जो एग्जाम की डेट है, एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा, वो फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ जुलाई में आप लोगों का एग्जाम होगा। देन एग्जाम का ड्यूरेशन दो स्लॉट्स में डिवाइड किया गया है, स्लॉट 1 और स्लॉट 2। जो स्लॉट 1 है वो 3 hours 15 minutes का होगा और स्लॉट 2 3 hours 45 minutes का होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT, मतलब आपको डिफरेंट ऑफिस डिफरेंट जो एग्जामिनेशन हॉल्स हैं वहां पे जाके कंप्यूटर पे बैठ के देना पड़ेगा। पैटर्न क्या होगा, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, किसी भी तरह का सब्जेक्टिव पैटर्न इसमें नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है अभी तक बिल्कुल जो रिसेंट नोटिफिकेशन है इसमें भी क्लियर नहीं किया गया है। मगर अगर आप लोग जो UGC के चेयरमैन हैं जगदीश कुमार जी, उनका अगर इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग नेगेटिव मार्किंग डालेंगे। मगर इस नोटिफिकेशन में भी यह चीज क्लियर नहीं की गई है नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है थोड़ा सा आप लोगों के लिए ट्रिकी हो जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मीडियम 13 लैंग्वेजेस में है जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा। डिटेल इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप लोग NTA और CUET की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इस बार CUET की वेबसाइट जो है CUET समर्थ करके एक न्यू वेबसाइट लॉन्च किया है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अटैच कर रहा हूं। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा था कि पास्ट ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। वो स्टूडेंट जिन्होंने 12th क्लास आज से 1 साल या 2 साल पहले किया था, अब वो CUET के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये चीज यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है। यूनिवर्सिटीज की गाइडलाइन में है वो ले रहे हैं वैसे स्टूडेंट को, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन नहीं कह रही है तो आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, स्टूडेंट क्या स्विच कर सकते हैं स्ट्रीम्स को, वन स्ट्रीम्स टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 12th में पोलिटिकल साइंस नहीं था, क्या आपका 12th में फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बॉटनी था, तो अब आप BA में पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं या नहीं, ये चीज भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। इस सारी चीजों को आगे डिस्कस करने वाले बहुत सी और चीजें, मतलब उससे पहले जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET के लिए, अब हम सब लोगों को क्लियर हो चुका है भाई आपका CUET का एग्जाम जो है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हो जाएगा। अनअकैडमी जो है उन्होंने बहुत ही न्यू अच्छे ऑफर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए हैं। Unacademy has come up with complete series of free classes to guide you in your CUET journey. It has started from March 25. You can go for individual subscription for CUET Part A, CUET UG Science, CUET UG Commerce, or you can also go for combo subscription. इसमें क्या-क्या चीजें आप लोगों को ऑफर की जाएंगी? There will be mock test, quizzes, free special classes, structured recorded courses, live doubt solving sessions, free extension till CUET exam. If you enroll in any of these 5 batches, you will get 60% off plus 1 month of free subscription. If you take 3 month subscription for any of these batches, this offer is valid till 5th. अगर आप लोगों ने CUET से सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी करवा रहे हैं। मेरी यही एडवाइस है, आप लोग ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया है तो ये नीचे दिया गया मेरा कूपन कोड है तारीफ 10, इसको आप अप्लाई करेंगे आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन बाकी रिलेटेड टू CUET और नोटिफिकेशन लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड किया गया, एक बार जाके जरूर चेक कर ले। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटी का। प्रोस्पेक्टस ऑफ यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाल दिया है, किस बेसिस पर मैं स्टूडेंट को ले रहा हूं, क्या मैं CUET के जनरल स्टडी के मार्क्स ज्यादा काउंट कर रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया, या डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट कर रहा है। ये जामिया मिलिया इस्लामिया ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है। एडमिशन प्रोसीजर भी क्या होगा वो भी यूनिवर्सिटीज अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करेंगी। एनटीए का काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि CUET कंडक्ट करना, उसके बाद यूनिवर्सिटीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालेंगे और यूनिवर्सिटी एडमिशन का प्रोसीजर भी आप लोगों को बताएंगी। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली जामिया मिलिया इस्लामिया का जो CUET का पैटर्न है,
कैसे अप्लाई करना है, वो किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, डोमेन सब्जेक्ट को या जनरल स्टडी को, वो डिस्कस करने वाला हूं। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। देन एग्जामिनेशन फी क्या होने वाली है, दो तरह के यहां पे फी आप लोगों को भरनी पड़ेगी, एक सीयूईटी के रिलेटेड और दूसरा जब आप सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो जो एनटीए कंडक्ट कर रहा है, और दूसरा जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो जैसे जामिया, जेएनयू, बीएचयू या कोई भी और डीयू, उनके अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट फी चार्ज करेंगे, वो भी आप लोगों को भरनी पड़ेगी। फी का जो है ऑनलाइन पेमेंट मोड है, सब लोगों को पता है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने आप क्या कहा है, डीयू क्या बात कह रही है, जो डीन ऑफ कॉलेजेस का अभी रिसेंट इंटरव्यू आया है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि अभी तक प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी उन्होंने बताया नहीं है, वो बताएंगे प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। डीयू की वेबसाइट में अभी तक ऐसा कुछ भी चीज नहीं अपडेट हुआ, अगर आपको कोई कह रहा है तो वो गलत बात है क्योंकि ऑफिशियली किसी तरह का भी कोई भी चीज नहीं बताई गई है। मगर यहां तक ये कहना है कि मेरिट बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इन सीयू सीटी के अकॉर्डिंग आप लोगों को वो प्रेफरेंस देंगे। नो डीयू में लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या है, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। आपको पता है इंडियन एक्सप्रेस ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, उसमें यह बताया गया कि डीयू जो है वो उन्हीं सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देगा जो स्टूडेंट ने ट्वेल्थ में भी रखे थे, मतलब ट्वेल्थ में भी रखे थे, और सीयूईटी में भी डोमेन सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। अगर वो स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री उसका ट्वेल्थ में था, डोमेन सब्जेक्ट भी उसने फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर लाए, उस बेसिस पे उसको प्रेफरेंस देकर एडमिशन मिलेगा। या आपका ट्वेल्थ में पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट थे और डोमेन सब्जेक्ट में भी आपने अच्छे नंबर लाए हैं सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम में, देन उस बेसिस पर जो है डीयू आप लोगों को एडमिशन देगा। तो यही इंफॉर्मेशन थी अभी के लिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं जामिया मिलिया इस्लामिया के क्या क्या क्राइटेरिया है, उन्होंने रिलीज कर दिया अपना न्यू नोटिफिकेशन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टिल देन आप लोग प्रिपेयर करें, अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें और उससे प्रिपरेशन अपनी अच्छे से स्टार्ट करें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।